हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश हम आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? चार ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड। जी हाँ, इयान बेल जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा विवाद के बीच किस देश में चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के सीमा पर कुछ विवाद चल रहा है, गालवान वैली में जो भी हिंसक झड़प हुई, और इसी बीच चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई 4 सितंबर को। यह बैठक किस देश में हुई? चार ऑप्शंस हैं, ईरान, भारत, चीन, रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। जी हाँ, भारत चीन सीमा विवाद के बीच रूस में चीन और भारतीय रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जो कि बैठक 4 सितंबर 2020 को संपन्न हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? चार ऑप्शंस हैं, अनिल जैन, रोहित बोपन्ना, अर्जुन बत्रा, राकेश अस्थाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिल जैन। जी हाँ, अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है अनिल जैन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पैनल में अहम जिम्मेदारी मिली है, अहम जगह मिली है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी हैं प्रीति सूदन, इनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पैनल में अहम जिम्मेदारी मिली है, वो कौन सा संगठन है? चार ऑप्शंस हैं, WHO, यूनिसेफ, UN, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रीति सूदन जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी हैं, इन्हें WHO में अहम जगह मिली हुई है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अहम जिम्मेदारी मिली है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक माने जाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का निधन 6 सितंबर 2020 को हो गया। संविधान के रक्षक माना जाता था उन्हें, धर्मगुरु केशवानंद भारती जी को, इनका निधन हो गया 6 सितंबर को। वह किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे? उनके मठ का नाम था इडनीर, और आपको बताना है कि ये इडनीर मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। जी हाँ, संविधान के जो रक्षक माने जाते रहे हैं धर्मगुरु केशवानंद, इनका निधन हुआ 6 सितंबर को, वह केरल में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनी बख्शी का 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वो किस लिए जाने जाते थे? चार ऑप्शंस हैं, लेखक, छायाकार, निर्माता निर्देशक या चित्रकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्माता निर्देशक, यानी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर जॉनी बख्शी, जिनकी उम्र 82 ईयर्स थी, और इन्होंने काफ़ी सारी हिंदी फिल्मों को निर्देशित किया है, प्रोड्यूस किया है, और इनका निधन हो गया 5 सितंबर को, दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हुआ, और ये थे निर्माता निर्देशक यानी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर एम वीरलक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्ति मिली है? देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर एम वीरलक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्ति मिली है? चार ऑप्शंस हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु,
जी हाँ, देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर एम वीरलक्ष्मी की तमिलनाडु में नियुक्ति हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 सितंबर। जी हाँ, 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है 7 सितंबर को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष यानी कि SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? चार ऑप्शंस हैं, केनिची आयुकावा, राकेश अस्थाना, वोकुलाविस आयुकामा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केनिची आयुकावा। जी हाँ, केनिची आयुकावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, इन्हें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हिंदुओं के किस पवित्र सरोवर पर मिसाइल सेंटर बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑब्वियस सा है। चार ऑप्शंस हैं, कैलाश मानसरोवर, सरदार सरोवर, राक्षसताल, पैंगोंग सो लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आई थिंक आप में से सभी को ये पता भी होगा कि कैलाश मानसरोवर। जी हाँ, चीन ने हिंदुओं के पवित्र कैलाश मानसरोवर पर मिसाइल सेंटर बनाया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? स्वैब कलेक्शन यूनिट किसने विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था टाटा स्टील्स। जी हाँ, टाटा स्टील्स ने कोविड-19 के लिए स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है, जिसमें कि क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा, सैंपल लेने में क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझावों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।